नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। ला फाइटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने पिछले वीडियो में धारा 365 तक बता चुका हूँ, आज धारा 366 से बताऊँगा। धारा 366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यापरण करना, अपहृत करना या उत्पीड़ित करना। धारा 366 का अपर्याप्त वय लड़की का उपापन। धारा 366 खा विदेश से लड़की का आयात करना। धारा 367 व्यक्ति को घोर उपहास दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापरण या अपहरण। धारा 368 व्यापरित या अपहरण व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। धारा 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापरण या अपहरण। धारा 370 दास के रूप में किसी व्यक्ति का खरीदना या व्यय करना। धारा 371 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। धारा 372 वेश्यावृत्त आदि के परिकोपन के लिए अपर्याप्त वर को बेचना। धारा 373 वेश्यावृत्त आदि के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त वय का खरीदना। धारा 374 विध विरुद्ध अनिवार्य शर्म। धारा 375 बलात्संग। धारा 376 बलात्संग के लिए दंड। धारा 376 का पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। धारा 376 खा लोक सेवक द्वारा अपनी अवरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग। धारा 376 गा जेल पर्त प्रेषण गिरी आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग। धारा 376 गा अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी बिंद आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग। धारा 377 प्रकृत विरुद्ध अपराध। धारा 378 चोरी। धारा 379 चोरी के लिए दंड। धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी। धारा 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। धारा 382 चोरी करने के लिए मृत उपहार या अवरोध कारित करने की तैयारी की पश्चात चोरी। धारा 383 उद्यापन। धारा 384 उद्यापन के लिए दंड। धारा 385 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को छत के भय में डालना। धारा 386 किसी व्यक्ति को मृत या घोर उपहार के भय में डालकर उद्यापन। धारा 387 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत या घोर उपहार के भय में डालना। धारा 388 मृत या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन। धारा 389 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। धारा 390 लूट चोरी कब लूट है, उद्यापन कब लूट है। धारा 391 डकैती। धारा 392 लूट के लिए दंड। धारा 393 लूट करने का प्रयत्न। धारा 394 लूट करने के स्वेच्छा उपहार कारित करना। धारा 395 डकैती के लिए दंड। मैं आप सभी को आज धारा 395 तक बताऊंगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।